अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो माननीय विधायक जी, सीतापुर से जी मैं उजियानी से बोल रहा हूँ सर, जिला बधाई से जी साहू जी नमस्कार। बहुत बढ़िया है, मैं तो ये कहना चाह रहा था जी, उस दिन बस मुलाकात हुई थी यहाँ उजियानी में जी तो एक सर ये हमारे यहाँ सीतापुर से डीएम साहब आए हुए हैं। सीतापुर के डीएम साहब? हाँ, प्रशांत कुमार जी यहाँ बधाई में आए हुए हैं। प्रशांत कुमार करीब जी, उनको करीब 2-2.5 महीने हो गए। हाँ। तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था साहब, तो मैंने कहा प्रशांत कुमार जी। अच्छा, सीतापुर से नहीं आई? सीतापुर के नहीं प्रशांत कुमार जी। अच्छा, तो ये सुल्तानपुर के होंगे ऐसा होगा? हाँ, कहीं और जगह के होंगे, सीतापुर नहीं जी। तो मैंने कहा बाबूजी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबूजी से एक फोन करा दूंगा। हाँ, असल में हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ, तो वो जो है उन्होंने बना दिया, लेकिन साइन किसी के नहीं किए थे। करीब उन्होंने 24-25 लाइसेंस बनाए, तब तक उनका जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में तत्काल। फोन भी कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना होना आपकी किस्मत है। लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं, और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी लेकिन आप लोग भक्त बने रहा, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली खूब बजी है साहब, देखिए हमारे तो नेट पे भी थाली बजी है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थाली बजाइए, ताली बजाइए हैं, और ताली भी बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए। जी चल रहा है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे अब आप जी, आप साहू जी, आप ताली बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजाई भी नहीं पाएंगे। ताली बजाइए, ताली बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, उन्हें जो काम होता है वही काम आप करेंगे। बिल्कुल इस ताली बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे कब जगोगे? बिल्कुल सही बात, मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, एक घंटे शंख नहीं, अभी लोगों को क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे? अरे शंख बजा के कोरोना भागेगा? चीन जिमनास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है। चीन को नहीं मालूम ताली बजा के, थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम। ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से बता रहे हो थाली बज रही, ताली बज रही। थाली बजाने से नहीं आपका रोजगार लिया जा रहा, थाली बजा के। जी ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे, और आपका रोजगार छीन लिया। जी, ये थाली बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुनिया में कहीं थाली। लेकिन आप जैसे मूर्ख, ये तेली पागल हुआ जा रहा, ये कमजोर जातियां पागल हुई जा रही, आप थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहे, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर। ताली बजाने का काम जानते हो क्या है? शादी बरात तो बच्चा पैदा होता है, लोग ताली बजा के मांगने आते हैं। जी वही वाली ताली बजाते रहो, जिंदगी भर मांगते रहना। अच्छा साहू जी, आपका विवेक नहीं काम करता, इस ताली से नहीं भागेगा कोई है? अच्छा, ये बीमारी थाली और ताली से भाग जाएगी? क्यों नहीं भागेगी? लेकिन ये सब कर रहे हैं साहब, क्यों सब कर रहे हैं? तो आप उसका, आप उसमें शामिल हो ना, क्यों सब कर रहे हैं मालूम है? क्यों सब कर रहे हैं? उनसे कराया जा रहा इसलिए जा रहा है, आप असली मुद्दे से भाग जाओ। असली मुद्दा आपका लाइसेंस ना बनाए। आप लाइसेंस के लिए हमको फोन करोगे, क्योंकि आपके बदायूं भर में कोई बन नहीं पाया, उजानी भर में कोई है नहीं जो लाइसेंस के लिए सिफारिश करे। जी तो अभी तो ये हाल है, आगे बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो थाली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो। जी आप अगर इसके लिए काम करोगे कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो, तो आप तर्क करोगे, सोचोगे, अध्ययन करोगे, नहीं? जी सर, ये ताली बजा के कहीं कोई बीमारी भगाई जाती है? नहीं। बाबा रामदेव कहता योग करो, रहो निरोग, और सबसे ज्यादा महंगी दवाएं उसी की बिकती हैं, मालूम है? नहीं जी सबसे महंगा सामान वही बेच रहा, तो ये
देश के लोग हैं, बने रहे भाई, हम क्या कर सकते हैं साहू जी, हम आपके लिए पत्र लिख देंगे, फोन कर देंगे, ठीक है, आप ताली बजाइए, ताली ये शस्त्र लेके क्या करेंगे।